अगर जीवन में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत कष्ट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया और वो कहीं से निपट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहे हो गया, तो बेलफल आता है ना, बेलफल जानते हो, बीला बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल को सुखा लो, सुखाने के बाद में उसको जला लो, उसको जला लो, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को पीस लो, पीस कर कपड़े में लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को शिव जी पर अभिषेक करो, शंकर पर भस्म चढ़ाओ, उस राख, कौन सी राख, जम के बोलो जरा, बेले की राख, बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ, उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ, जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम लो, कौन से महादेव, चंपेश्वर, या जो व्यापार नहीं चल रहा वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो, काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस दुकान को जिस व्यापार को चलाना है उस जगह पर एक सफेद फूल चंपेश्वर महादेव का, जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल, काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो, मात्र 7 दिन कर कर देखो कि उस भस्म का चमत्कार कहे, शिव जी के शरीर पर चढ़ा हुआ एक एक पदार्थ, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की, चपटी भवो तमे खजाना कुबेर,